हिसाब से कि जो शाहीन शाह अफरीदी हैं हमारे मेन फास्ट बॉलर हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, हमने देखा पहला टेस्ट उनका अच्छा नहीं किया, वर्ल्ड कप के अंदर भी हम देख रहे थे कि थोड़ा ऑफ कलर थे, क्या वजह क्या समझते हैं आप उनकी, क्या वो ओवर ट्राई कर रहे हैं या उन सही तरह से ट्रेनिंग नहीं हो पा रही या कोई बॉलिंग कोच उनके साथ अच्छा नहीं है, तो क्योंकि अब जितने भी हमारे नए लड़के गए हैं उन्होंने वहाँ पर आउट किए हैं, तो इसके ऊपर कोई आपकी उनसे बात हुई है कि शाहीन और ये हारिस जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं ये वहाँ पर जाके अपना रोल तो अदा करें कम अज़ कम? देखिए शाहीन आफरीदी की हम हमेशा इसीलिए बात करते हैं कि शाहीन आफरीदी ने पिछले चार साल से पाँच साल से 2018 से जब वो आए उन्होंने इतनी परफॉर्मेंसेस दी है कि हमें आदत हो गई है कि शाहीन हर मैच में परफॉर्म करे। अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिधर आप हर रोज़ परफॉर्म नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि शाहीन को परफॉर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन एट टाइम्स कभी बैड पैच आ जाता है, कभी आप कोशिश भी कर रहे होते हो लेकिन आपको उस तरीके से रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे होते। शाहीन इज़ अ वेरी सेंसिबल गाय और उसको ये चीज़ों का पता है और उसको ये मैसेज दिया भी जा रहा है, और ऑब्वियसली आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, अगर इस टेस्ट मैच में शाहीन को विकेट्स मिलती वो परफॉर्म करता अच्छा तो शायद पाकिस्तान के रिजल्ट में थोड़ी और बेहतरी आ जाती, बट गोइंग फॉरवर्ड ही नोज ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, ही इज़ समबडी जिसमें बहुत भूख है, ही इज़ नॉट समबडी जो अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हो जाता है, उसको यही होता है कि मैं हर मैच में जाऊँ और मैं हर मैच में आउट करूँ, एंड दैट जो ये आपने बात की है उसमें हमारी उससे बात हुई है, और ऑब्वियसली वो भी बहुत पुरअज़म है कि उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको सही तरीके से जो है वो निभाए, हमें उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, हमें जल्दी जो है वो मुंह नहीं फेर लेना चाहिए या हम लोगों को बहुत जल्दी किसी को राइट ऑफ नहीं कर देना चाहिए। आई थिंक पाँच साल की परफॉर्मेंसेस पाँच मैचों से या छः मैचों से जो है वो अकाउंटेबल नहीं होती, तो हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, एंड आई होप के गोइंग फॉरवर्ड ही विल गेट बैक इन टू हिज फॉर्म और फिर से आप उसको इंशाल्लाह फलते फूलते देखते रहेंगे। सर वाइस कैप्टन हमने जिस तरीके से इस सीरीज़ में भी जब टेस्ट सीरीज़ थी तब अनाउंस नहीं किया था, गोइंग फॉरवर्ड भी जो हम वो जब टीम वहाँ पर पहुँच जाएगी उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमने किसको वाइस कैप्टनसी देनी है। वहाब दौरे न्यूजीलैंड के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हो गया, लेकिन कामरान गुलाम नज़रअंदाज हो रहे हैं, इस साल नेशनल टी20 कप में भी उन्होंने 451 स्कोर किया है, तो क्या उनकी जगह टीम में नहीं बनती? नहीं देखिए कामरान पिछले दो तीन साल से परफॉर्म करता आ रहा है, बड़ा कंसिस्टेंट परफॉर्मर है हमारे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि टी20 में आई थिंक ही स्टिल नीड्स टाइम कि जिधर वो जो है थोड़ा सा और अपना बेहतर करे। सिर्फ आपको एट टाइम्स ये नहीं देखना पड़ता कि कोई रन कितने कर रहा है, एट टाइम्स आपको ये भी देखना पड़ता है कि कंडीशन स्ट्राइक रेट क्या है उसमें देखना पड़ता है, और सिर्फ एक चीज़ जो मैं अभी लास्ट में अनाउंस करूँगा, कामरान को हम इंशाल्लाह वाइट बॉल क्रिकेट में आगे ज़रूर हमारे प्लान्स का हिस्सा है, वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन इस सीरीज़ में अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट मेक अप दैट चांस जो उसको मिलना चाहिए था। गोइंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह हम उसको देखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे टी20 के टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं जो इस कॉम्पिटिशन में खेले हैं उन लोगों को हम लोग कैम्प में बुला रहे हैं और उनको हम यहाँ पर अपने सामने भी जो है उनको इंशाल्लाह देखेंगे और वो यहाँ पे होंगे। कैंप जो है वो मैं बता दूं कि 28 तारीख से 3 तारीख तक है जब टीम ने ट्रैवल करना है, 3 तारीख को पाकिस्तान की टीम ट्रैवल करेगी होपफुली। इसमें कुछ लड़के हैं जो कैंप का हिस्सा होंगे, उसमें कामरान गुलाम, उमैर बिन यूसुफ, सज्जाद अली, अहमद शहजाद, मोहम्मद हारिस, शहाब खान, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद आमिर खान और आरिफ याकूब। ये 9 प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान टीम के इस कैंप में पाकिस्तान के लड़कों को ज्वाइन करेंगे और हम उनके ऊपर भी इंशाल्लाह पूरी नज़र रखे हुए। ठीक है जी, थैंक यू।